तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आपको किसी ऐसे रिचार्ज एप्लीकेशन की तलाश है जो हर रिचार्ज पे आपको ज्यादा कमीशन दे, क्योंकि सीधी सी बात है आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा होगा जो मोबाइल फोन, डीटीएच, फास्टैग ये तरह तरह के रिचार्जेस नहीं करता होगा। और आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि जितने भी यूपीआई एप्लीकेशंस हैं उनमें से ज्यादातर एप्लीकेशन रिचार्ज पे आपको कैशबैक या कमीशन देने के बजाय उल्टा वो लोग आपसे एक्स्ट्रा कमीशन लेते हैं सभी रिचार्ज पे। तो इसलिए आज की वीडियो में फिर से मैं लेके आया हूँ एक ऐसा रिचार्ज एप्लीकेशन जो देता है आपको हर रिचार्ज पे अच्छा खासा कमीशन। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन सा है, कैसे इसमें साइन अप करेंगे, कौन सी कंपनी की रिचार्ज पे ये कितना कमीशन हमें देते हैं, जानते हैं सारा कुछ डिटेल में। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है अपने फोन के प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रू ऑन रिचार्ज ऐप। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर पे ही ये एप्लीकेशन आ गया। वैसे इस एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जहां से क्लिक करके आप इस ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसे यहां से क्लिक करके मैं कर लेता हूं अपने फोन में इंस्टॉल। इंस्टॉल हो जाने के बाद इसे करेंगे हम ओपन। ओपन करने के बाद ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, इसको आपको कर देना है एनेबल। उसके बाद इसका जो प्राइवेसी पॉलिसी है इस पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और वहां पे इसे टिक करके कर लेंगे एक्सेप्ट, फिर करेंगे अलाउ। अब यहाँ पे आपको पहली बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ जो नीचे ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर दोबारा सेम मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना नेम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद आपको डालना है अपना ईमेल आईडी। उसके बाद आपको अपना एड्रेस टाइप करना है, फिर आपको अपना स्टेट और सिटी भी सेलेक्ट कर लेना है और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जिस नंबर से आप साइन अप करेंगे उस नंबर पे आपका व्हाट्सएप चालू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप अपना डिटेल सबमिट करते हैं वैसे ही आपको अपना लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पिन नंबर व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव हो जाता है। तो लॉगिन करने के लिए आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी आपके व्हाट्सएप पे पिन आया है इनकी तरफ से वो यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन में लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा पेज आ जाएगा और इस एप्लीकेशन में साइन अप करते ही आपको ₹10 बैलेंस मिलेगा। लेकिन वो बैलेंस आपको अपने आप नहीं मिलेगा, उसको यहाँ से जाके रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। सबसे नीचे की तरफ आप जाएंगे और यहाँ पे ये जो पेमेंट रिक्वेस्ट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स अपने आप भरी हुई मिलेगी। यहाँ पे ब्रांच नेम में आपको लिखना है न्यू साइन अप, इसके बाद यहाँ पे अमाउंट ₹10 डाल देना है, इसके बाद रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ जो आपका बैलेंस दिखा रहा है कुछ ही देर में वहाँ पे ₹10 बैलेंस अपडेट हो जाएगा। तो अगर इनके सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे आप प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं सारी ही कंपनियों के, इसके अलावा पोस्टपेड मोबाइल के बिल पे कर सकते हैं, इसके अलावा डीटीएच के भी रिचार्ज कर सकते हैं सारे ही ऑपरेटर्स के। इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, गैस बिल पेमेंट है, ऐसे बहुत सारे काम आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं और सारे ही तरह के रिचार्ज और बिल पेमेंट पे अच्छा खासा आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले हम फायदे की बात कर लेते हैं जिसके लिए हमने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है कि एवरी रिचार्ज पे हमें कितने कमीशन इसके अंदर मिलते हैं। तो इसके लिए नीचे ये जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ये ऑपरेटर कमीशन रिपोर्ट के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि BSNL के रिचार्ज के ऊपर आपको मिलता है 5% का कमीशन, वोडाफोन के ऊपर मिलता है 3% का, एयरटेल के ऊपर भी मिलता है 3% का, आइडिया के ऊपर भी मिलता है 3% का, रिलायंस जियो के ऊपर मिलता है 3% का। इसके अलावा स्क्रॉल करके हम और थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सभी तरह के डीटीएच पे लगभग 3.5% का कमीशन यहाँ पे मिल रहा है। सिर्फ टाटा स्काई पे 3% है, बाकी सारे डीटीएच ऑपरेटर पे 3.5% का कमीशन यहाँ पे आपको मिलेगा एवरी रिचार्ज पे। अब एक बार मैं इसमें बैलेंस ऐड करके और रिचार्ज करके भी आपको दिखा देता हूँ ताकि हम ये देख पाए कि ये एप्लीकेशन कितने अच्छे से काम करता है। तो यहाँ सबसे ऊपर ऐड बैलेंस पे हम जाएंगे, यहाँ आप ₹1 से लेके और 25,000 तक बैलेंस ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ₹100 ऐड करूंगा क्योंकि मुझे बस आपको रिचार्ज करके दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू ऐड बैलेंस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है ऐड कॉन्टेक्ट डिटेल, तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ बैलेंस ऐड करने के लिए किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का जो आपके फोन में चल रहा हो उसका यूज आप कर सकते हैं। तो यहाँ सिंपली मैं फोन पे पर क्लिक करूंगा, पे 100 पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना यूपीआई पिन एंटर कर लिया और यहाँ साइन मार्क पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पैड 100 सक्सेसफुली का मैसेज आ गया और कुछ ही सेकंड में यहाँ स्क्रीन पे बैलेंस सक्सेसफुली ऐड होने का भी मैसेज आ गया। इसको हम कर देंगे ओके। अब यहाँ एक बार बैक जाएंगे और यहाँ ऊपर कोने में आप देख पाएंगे कि जो भी हमने ₹100 बैलेंस ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब यहाँ
पे मैं एक बार आपको रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रीपेड पे और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करूंगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि ये वोडाफोन का नंबर है। इसके बाद आपके सिम पे कौन सा रिचार्ज ऑफर है अभी वो चेक करने के लिए यहाँ पे चेक आर ऑफर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारे ऑफर्स आ जाएंगे जिनको कि यहाँ से सेलेक्ट करके आप रिचार्ज कर सकते हैं, या आप चाहे तो रिचार्ज प्लान भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप जिस कंपनी का सिम यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन कौन से रिचार्ज प्लान यहाँ पे अवेलेबल है, या आप चाहे तो यहाँ पे मैनुअल बैलेंस भी टाइप करके एड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 99 रुपीज का रिचार्ज प्लान सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं सीधे रिचार्ज पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैसेज आ जाएगा योर रिचार्ज हैज बीन सक्सेस। इस पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और एक बार मैं बैक करके मेन पेज पे चलता हूँ। अब यहाँ बैलेंस सेक्शन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 13 रुपए बैलेंस लगभग बचा हुआ है, जबकि मैंने 100 रुपए ऐड किया था और 99 का रिचार्ज किया था। तो इसको क्लियर करने के लिए एक बार मैं रिपोर्ट्स के अंदर चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्रेडिट रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट में आप देख पाएंगे कि 100 रुपए मैंने अपने UPI से बैलेंस ऐड किया था और उसके अलावा यहाँ पे 10 रुपए और क्रेडिट हुए हैं, जो कि एप्लीकेशन के अंदर ही ये जो साइन अप बोनस था 10 रुपए यहाँ से रिक्वेस्ट जो मैंने डाला था वही 10 रुपए यहाँ पे ऐड हुआ था। तो 99 रुपीज के रिचार्ज पे लगभग 3 रुपए का जो हमें कमीशन मिला वो कमीशन और 10 रुपए जो इन्होंने हमें बोनस दिया वो मिला के 13 रुपए यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है। और आप सारे तरह का रिपोर्ट्स यहाँ रिपोर्ट्स के अंदर ही जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो आप टोटल समरी देख सकते हैं कि आपने कितने रिचार्ज किए हैं, कितने सक्सेस हुए हैं, कितने पेंडिंग है। तो मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन अभी रिचार्ज पे अच्छा खासा कमीशन दे रही है क्योंकि इसके अंदर एयरटेल और जियो पे भी 3% का कमीशन है। तो इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहाँ से क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और साइन अप करके यूज कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।